जब नहीं मिलेगा पीड़ितों को धरती के न्यायाधीशों से न्याय, तो अवसरित होंगे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए शनिदेव। हमारी इंडिया टीवी पर देखिए भगवान शनिदेव का न्याय चक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी इंडिया टीवी आवाज जुर्म के खिलाफ। आइए नजर डालते हैं एक और खास खबर पर। हमारी इंडिया टीवी के साथ उत्तर प्रदेश जिला औरैया दिव्यापुर में सराफा की दुकान हुई टप्पेबाजी की घटना का पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। महिला एवं एक युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। SP अभिषेक वर्मा ने आज पत्रकारों को दी गिरफ्तारी की जानकारी। वहीं सराफा व्यापारियों SP अभिषेक वर्मा का फूलमाला पहनाकर टप्पेबाजी युवक को गिरफ्तार करने का आभार व्यक्त किया। महिला द्वारा बड़ी ही प्रोफेशनल तरीके से इनके ज्वेलर्स की दुकान में आकर के एक हार को चोरी से अपने कब्जे में लेकर के वहाँ से फरार हो गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पहुँची थी। ज्वेलर्स जो शॉप है वहाँ से सीसीटीवी सेट वगैरह कलेक्ट किया और अन्य लोगों से इसमें जानकारी की गई। मुखबिर तंत्र को भी एक्टिवेट किया गया। उसी के क्रम में जो हमारी जिले की SWAT टीम है उसके द्वारा ये गिरफ्तारी में सुनिश्चित कराई गई थी, जिसमें दो लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें एक का नाम श्रीमती पुष्पा यादव है और दूसरा जो शख्स पुरुष है उसका नाम पंकज यादव है। इन्होंने पूछताछ में बताया था कि ये दिव्यापुर में आए हुए थे एक अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए और इसी दौरान इन्होंने चोरी का प्लान बनाया और इस दुकान में घुस करके उन्होंने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से ये हाथ पे हाथ साफ कर दिया। इनके पूछताछ में और भी चीज़ें पता चली हैं, जिसमें पुलिस को ज्ञात हुआ है कि जो पंकज यादव है और ये पुष्पा यादव है, ये दोनों रिश्तेदारी में लगते हैं और इनके द्वारा अन्य थानों में भी, जैसे कि टुंडला में है, कलेक्टरगंज कानपुर, पनकी कानपुर नगर में, इसी तरीके से चोरी के मुकदमे इनके ऊपर लिखे गए हैं और ये पहले भी जेल जा चुके हैं। तो इनका एक बड़ा ही प्रोफेशनल गैंग यहाँ ऑपरेट कर रहा था, जो बहुत दिनों से टप्पेबाजी और चोरी की कुछ वारदातें करता था। क्राइम टीम को ये सफलता प्राप्त हुई और इसके लिए इनकी प्रशंसा की जाती है, साथ ही उनको न...